अच्छा मार बशीर, ये थोड़ा बच्चा एक तजा फिर काफी अरसे तो स्कूल नहीं आ रही है, इसकी वजह मैं पहले भी हाजिर हो जाऊं मार शाह ते में ते तुम दसे भी किताबां मुफ्त ने यूनिफॉर्म ही हुन इन बच्चे की हालत वेख लो भाई, सारा दिन स्कूल च छुट्टियां करन दा मकसद ही होंदा भाई सारा दिन धोपे खेडन, ये कोई हाल है भी कितने मैले कपड़े और ये यूनिफॉर्म ही असा वर्दी देवनी होंदी, किताबां ही देवनी होंदी, फीस भी जेहड़े बच्चे होंदे ना गरीब उन्होंने मसाइल हैं, मैं तुम्हें उस दिन ही आख्या भाई तुम माजूर हो तो मसला बन गया और ये बच्चों के नाल बच्चों ने भेज दिता असा केयर करके इन्होंने बच्चों को तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल तो यह अगर अब बच्चों को पढ़ा लेते तो फायदा ना होसी, तू तो आप माजूर बंदा है बैठा है तो बेहतरीन एक स्कूल गौरमेंट इदारे अजक बेहतरीन स्टाफ है, उस्ताद पढ़े लिखे हैं, साढ़े किताबा जरा सिलेबस हों बेहतरीन है। हूँ अज असा डेंगी मच्छर के हवाले नाल आया कि तुहाडे घर दे विच फ्रिज और या पानी वगैरह कि खलोतो हो या काठ कबाड़ जी लकड़ी पई होवे मच्छर हो जानवर असा घर अंदर बनने जा उन्हों की गोबर वगैरह पई होंगी वो मच्छर फैलता है, तो यह सारिया चीज़ा क्योंकि डेंगू मच्छर इतना मोहलिक है ना कि पहले मच्छर डांग मरेंद तो कुछ ना ही होता, मतलब थोड़ा बहुत बुखार शुखार हो गया हूँ, ये अमवात हो रही मौत हो रही है। उत्थे मैं एक बजुर्ग का किया वो आता धमा पट देता सा मच्छर उस मुहम्मद थिराज ये भेडा लाई वा जानते पे हो ना उन्होंने घर के कोलो रजवा आया तो इतना पानी तो इतने होर यह नहीं बड़े मसायल हैं। हूँ ये थोड़ा मैं परफार्मा पुरक रहा भी हाँ जी चीज़ा हैं तो समझ दसनिया तो केयर करनी है अपने घर को साफ सुथरा रखना ताकि इस मच्छर का फैलाओ तू अस खुद बचा क्योंकि यदि स्प्रे हैं गौरमेंट एहतियाती तदाबीर ही दसेंदी है गौरमेंट स्प्रे वगैरह ही करेसी लेकिन कुछ साढ़े जिम्मे जिम्मेदारियां हैं जी मतलब पानी खड़ा हो जाना मच्छर की अफजाइश होंगी वगैरह वगैरह। दूसरा बच्चों अस छुट्टियां स्कूल ही कीतियां भाई धुप दे सारा दिन हूँ तकरीबन 11 बजते पैन सारा दिन धुप ही खेलते हैं, ये भी धुप ही बताइए इन्हों बच्चों तुसा नवा धुआ के दोपहर ही घर बहाया अंदर पखे तो बिजली है ना थोड़े को पखे तो बवें शाम वेले खेड लवेन सुबह वेले खेड लवेन और काम शाम स्कूल तक रहने वेखो ना इन्हों की हालत वेखो। चलो खैर ये हूँ मैंने तुसा परफॉर्म दसो थोड़ा फ्रिज वगैरह या कुछ है घर कोई एयर कंडीशन कश ही कोई नहीं अच्छा और इस तू इलावा थोड़ा यानी कोई परांदे शरांदे वास्ते तुसा कोई पानी इतने भर रख दे पीवेन या जानवर वास्ते जो पानी तुसा भर रख दे कह ओ पानी पीया रहंदा या वीड छुड़े या जानवर हैं तुहाडे अगले दो हैं ना सज्जे पानी पाले ते रहिने आ उस तो बाद फैस न बाल्टियां दो फेंकने आ हां बाहर फेंक छुड़े दो ना पानी रखना नहीं ओदे भाई मच्छर फैलदा वद्दा है। अच्छा गारे काठ कबाड़ लकड़ी शकड़ी कोई गोबर शोबर पई है घर साफ सुथरा हां बिल्कुल सुथरा मैं देखया चेक कीता ठीक हो गया। अच्छा ढक्कन गटर शटर दा कोई खुल्लो होवे तुहाडा वॉशरूम बणयो होवे या उसका ढक्कन यानी गोबर शोबर इस तरह का कोई बनी हुई है ढक्कन सारा हर ठीक फिट है। अच्छा मच्छर इतने मच्छर कितना होता मच्छर फैलता है मच्छर नहीं मच्छर साढ़े को हाल है टाइम तो भाई कोई ठीक हो गया। अच्छा रेन पक समझ कर अच्छा अच्छा चलो ठीक है साढ़े पक्का ही टैंकी पानी दे कोई पानी वगदा रहा वेंदो ड्राम में चूया पानी कोई टैंकी कर रहे हम कोई। अच्छा पौधे ते गमले वगैरह इथे क्यारियां तोड़े पौधे घर लाए हो ही ने साफ है बिल्कुल बिल्कुल साफ। अच्छा दरख्तियां दे विच कोई मोड़ छोड़ चला जाए तो कोई ना सी ये दसो कि झाड़ियाँ तो पार्क तो सड़क वगैरह दे विच इत्थे मच्छर होना है तुहाड़ी सड़क तो साफ पई है लेकिन ए कूड़ा करकट पिया तुसे दसो मच्छर इत्थे फैलदा है या इहदी वजह तो कोई राती मच्छर तुहानू तंग रहिंदा या कोई नहीं राती मच्छर तंग कोई नहीं बिल्कुल मच्छर कोई नहीं तां कोई नहीं तेंदे से वेण पक्का समझ कर लिया चलो ठीक है पक्का है कोई। अच्छा इत्थे हुण दस्तखत करो वेण पक्षे समझ कर पकड़ बेटा। अच्छा पूरा इस दस्तखत इन स्कूल तुसा या स्कूल खुले तुसा फौरी तौर तेन स्कूल भेजना चलो जी ठीक हो गया मेहरबानी शुक्रिया।